हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी ले आई हूँ बच्चों। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना और आप अपनी परीक्षा में पास। ये समझो जादू हो गया। क्या हुआ बच्चों? जादू हो गया। यहाँ पे क्या जादू हो गया कि हम आपके लिए ले आए हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, यानी कि जो 2 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा होने वाली सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा, उसका एकदम रियल पेपर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो। डिट टू यही पेपर आने वाला है। चाहे आप कुछ भी करो, आप हमारी बात मानो या ना मानो, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। बट एक बार इस पेपर को देख के जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तभी आपको पता चलेगा हाँ मैम ने सही बोला था, डिट टू वही पेपर आए, डिट टू यही प्रश्न आए हैं। तो बस ये गलती वहाँ पे जाके पछतावा हो, इससे अच्छा अभी एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आधा घंटा देना है बस आपको, 30 या 25 मिनट आपको हमें देने हैं ताकि एक बार पूरा पेपर आप समझ सको। एक बार मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बता दूँ, एंड तक एक बार आप वीडियो देख लो, फिर आप अपना, अगर आपको हमें बिलीव ना हो कोई बात नहीं, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा दूसरी बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप परीक्षा देने जाओगे तब आप ये पेपर डेट टू यही आएगा, तब आपको पछतावा होगा, काश मैंने वहाँ से पढ़ लिया होता, काश मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया होगा तो अभी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, अभी मेरे को सारे प्रश्न अच्छे से आ जाते। तो वो पछतावा ना हो इसलिए बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा पेन पेपर कॉपी साथ में लेके बैठ जाइए ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से पेपर प्रश्न चालू कर देते हैं। और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ पहले से ही। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम सब लिख लेना है और आपका पेपर रहने वाला है 2.5 घंटे का, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। चलो सबसे पहले खंड में क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए। चलो निम्न में से किसने हरुणा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, हरुणा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो इसमें से किसमें किन्होंने की थी बच्चों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने बच्चों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटिश भारत का अंतिम वायरस वाइसरॉय कौन था? ओके, तो कौन सा वाइसरॉय कौन था बच्चों? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर बरसा का जन्म किस आदिवासी जनजातियों समुदाय में हुआ था? ठीक है बच्चों, तो किस आदिवासी जन समुदाय में हुआ था बच्चों? तो मुंडा। बच्चों क्या आ जाएगा? मुंडा। हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो कौन है बच्चों हमारे अंतिम व्याख्याकार? तो न्यायपालिका। बच्चों कौन है? न्यायपालिका। देश के सचिव कानून निवृत्ति संस्था कौन सी है? तो वो है संसद। कौन सा है? संसद। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इनमें से बच्चों आ जाएगा पेट्रोलियम। कौन सा है बच्चों? पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा अनवीकरण संसाधन है? तो इनमें से कौन सा है बच्चों? पेट्रोलियम। कौन सा है बच्चों? पेट्रोलियम। ओके, यहाँ पे पेट्रोलियम आएगा, सॉरी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का था? तो यहाँ पे आ जाएगा 13.5%। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ पे आपको जोड़कर दिया गया, यानी कि सम्मेलन दिया गया है, सुमेलन दिया दीवाने का, तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा वो ये डी नंबर का आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? वो सजा वसूल करने का अधिकार। फिर शोर ए मशहूर, तो बच्चे इसका आ जाएगा यहाँ पे सी। क्या आ जाएगा? टीपू सुल्तानत रानी चिन्मा, तो इसका बच्चों आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर का। किस्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नृत्य किया गया। फिर वॉरेन हैरिंगटन का बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है बच्चों, चलो इस प्रकार से हमने कर ली। अब हम आ जाते हैं हाँ या ना में। ठीक है बच्चों, यानी कि ट्रू और फॉल्स में। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हाँ। क्या आ जाएगा? हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एंड तक देखना है क्योंकि यही पेपर पूरा आने वाला है, आपको पछतावा कहीं जाके नहीं होना चाहिए। मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित हैं,
तो यहाँ पे बच्चा आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा बच्चों ना, मरुस्थल संघन जनसंख्या वाला जनसंख्या वाले क्षेत्र है, तो क्या आ जाएगा बच्चों ना, क्या आ जाएगा बच्चों ना। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उपजाऊ मैदान घना घना बसा क्षेत्र है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में बच्चों। चलो पेन पेपर कॉपी मेरे साथ लेके बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए कि मैम आपको बहुत अच्छी तरह से हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देने वाले हैं, तो बस वीडियो कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा बच्चों। जी बच्चों, तो सबसे पहले 11 नंबर के प्रश्न का, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, तो चलो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। चलो मेरे साथ लिखिए, बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनता नहीं देते हैं, मेहनता यानी पैसे मतलब नहीं देते हैं, क्योंकि मजदूर को काम की ज़रूरत होती है इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने के तैयार हो जाते हैं। मजदूरों को इस शोषण की बचाने के लिए न्यूनतम वेतन की कानून की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हमने फटाफट से आंसर लिख लिया है। चलो अब सेकंड प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते हैं, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के कोई दो उद्देश्यों के नाम बताएं। चलो दो उद्देश्यों के नाम लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट लिखिए, विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करना। बच्चों ये दोनों वहाँ के नियम वो क्या बोलते हैं उदाहरण बता रही, उद्देश्य बता रही हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं 13वें नंबर के प्रश्न में, सन 1857 में सिपाहियों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से क्यों इनकार कर दिया, तो चलो बच्चों इसका आंसर मेरे साथ लिखिए, सन 1857 में सिपाहियों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया, कारण कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी का लेपन लगाया गया, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी, इससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। बच्चों 3 हमने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं इसके। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे 40 नंबर का, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कौन सी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया, तो चलो बच्चों इसका आंसर मेरे साथ लिखिए, वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। तो बच्चों ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो 15 नंबर के प्रश्न, जल्दी से हमारे पास टाइम नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं बस अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी बच्चों आपके दूसरे प्रश्न पेपर की भी वीडियो आप तक पहुंचाने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम फटाफट से लिखते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। किसान नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे, चलो तो इसका आंसर लिखते हैं बच्चों, किसान नील की खेती करने से कतराने का कारण, किसानों को नील की खेती करने के लिए कर्ज दिया जाता था परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले कर्ज को सिलसिला जारी रहता था। फिर दूसरा, बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी सारी ताकत खींच लेती थी। ठीक है बच्चों, और तीसरा हम लिखते हैं, नील की कटाई के बाद वह घन की खेती की नहीं की जा सकती थी धान की खेती नहीं की जा सकती थी
फिर चौथा, लेकिन नील की खेती के लिए किसानों को बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। उस समय किसानों के हल बैल धान के खेतों में व्यस्त थे। तो ये बच्चों यहाँ के 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे दे दिया है। चलो अब 16 नंबर के कृष्ण, कृषि में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। चलो बहुत बड़ा आंसर है बच्चों इसका, साथ फटाफट मेरे साथ लिखिए। कृषि में उत्पादित